हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए तो आज हम बात करेंगे निराश रोगियों में आशा की किरण न्यूरोथेरेपी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय गांधी, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले 20 वर्ष से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही मेरी? ओके। पिछले 20 वर्ष में ऐसे हजारों अलग अलग टाइप के पेशेंट जिनको न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ठीक करने का मौका मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा, आज देश भर में हजारों ऐसे पेशेंट हैं जिनके बच्चे हार्ट के होल के साथ पैदा होते हैं। मैं मोहाली से हूँ और इस समय मोहाली से ही बोल रहा हूँ। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके हार्ट में होल था। तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बताया हार्ट में होल क्यों होता है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने हार्ट के होल के बारे में बड़े विस्तार से बताया। वो माएँ जिनको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, जिनके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहेगी, उन माओं को हार्ट में होल वाले बच्चे पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। न्यूरोथेरेपी में सभी जो न्यूरोथेरेपिस्ट देख रहे हैं उनको ध्यान में होगा, टेनपेन और फोलिक एसिड सिर्फ इतना ट्रीटमेंट दे के उन बच्चों को 2 से 3 महीने में ऐसा मैं जब 99 में मैंने शुरू किया न्यूरोथेरेपी तो 18 mm तक हार्ट का होल बच्चे का बिल्कुल ठीक हो गया था। ऐसे पिछले दिनों शायद अपने एक और थेरेपिस्ट हैं जम्मू से, सुमित महाजन जी, उनके पास भी एक केस था जिन्होंने हार्ट का होल ऐसा बिल्कुल ठीक हो गया, जिनका उनकी रिपोर्ट्स भी आप सब लोगों को दिखाई थी। फ्रेंड्स, बच्चा ना होना उसका दर्द एक माँ समझ सकती है अच्छे से। आज हजारों लड़के लड़कियां घर में औलाद हो जाए सिर्फ इसी के लिए, हजारों लड़के लड़कियां इनफर्टिलिटी सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी बात गुरुजी ने, आप सब लोग जानते हैं गुरुजी पंजाबी थे और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा ठंडे तवे पे रोटी नहीं बनती। यानी वो माएँ जिनका बॉडी टेम्परेचर लो है उनका भी सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर लो होने की वजह से उनको इनफर्टिलिटी है, सॉरी बॉडी टेम्परेचर लो होने की वजह से ही उनको इनफर्टिलिटी है। ऐसे सभी उनको बोलो, एक बार फोन कर दो उनको, बोलो मत करें फोन। लो बॉडी टेम्परेचर की वजह से इनफर्टिलिटी है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आप लोग केवल 6 medulla into 3 सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट दिया और वो इनफर्टिलिटी का केस हल हो गया। मैं क्योंकि
अभी रिसर्च करते समय पता चला, पहले बहुत बार ये गलतियां कर चुके हैं कि पेशेंट का नाम ले देते थे, स्टेज पे खड़े होकर भी बोल देते थे कि ये पेशेंट का नाम है, यहाँ का रहने वाला है, इतनी उम्र का पेशेंट है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको ये सारी बातें ध्यान में आती हैं कि आपको ये सब नहीं करना है, पेशेंट का नाम नहीं बोलना है। तो मैं भी ऐसे पठानकोट से पेशेंट है जिनके फिलिपिनटे ब्लॉक थे, न्यूरोथेरेपी का मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट, सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट हम लोगों ने 18 दिन का ट्रीटमेंट उनको दिया, और 18 डेज के ट्रीटमेंट के ही, सिर्फ 18 डेज के ट्रीटमेंट से ही फिलिपिन ट्यूब खुल गई, और हरि की दया से आज 2 बच्चे हैं उनके। एक और पेशेंट हैं जिनको बहुत सारी लड़कियां, कभी जैसे गुरुजी बताते थे कि खूब जिन स्पोर्ट्स में हैं जो, तो हल्का सा यूट्रस जो है अपनी जगह से वो नीचे चला गया, नीचे माने हल्का सा खिसक गया, जिसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में की वजह से भी इनफर्टिलिटी, यानी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जोड़े जो जिनको, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो लोग सिर्फ इतनी बात बोलते हैं कि भाई ऊपर वाले से, शायद ऊपर के घर से देरी है जी, हम दोनों के टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम लोग बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, दोनों के टेस्ट सारे सिटी स्कैन एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट स्टिल कविता जी प्रणाम, कविता पांडे जी प्रणाम कह रहे हैं। सभी को नमस्कार, फिर एक बार नमस्कार, जो जो लोग शामिल हुए उनको फिर नमस्कार। ऐसे बहुत सारे केस हैं, उस पेशेंट को जिनको प्लेप्स ऑफ यूट्रस की बात कर रहे थे हम लोग, सिंगल ट्रीटमेंट सिखाया, ट्रीटमेंट का नाम जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो लोग जानते हैं, 1 WD × 6, खाली इतना ट्रीटमेंट। और मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने जब ट्विंस हुए, बेटा बेटी दोनों एक ही बार में, एक और बहुत सारे, मैंने PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, इसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, तो न्यूरोथेरेपी में PCOD का ट्रीटमेंट आप सब लोग जानते हैं, गुरुजी ने बुक में लिखा हुआ है कि 2 pen 6 bar 1 thigh में कोई भी किसी तरह की जो ट्यूमर है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वही PCOD के लिए आपा देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ एक ऐड करते हैं कि 2 pen × 6 1 WD × 6 1 thymus × 6 1 gas only × 6 और 6 WD 8 thymus chest, खाली इतना ट्रीटमेंट और PCOD बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसा हुआ, जैसे हुआ तो साथ कंसीव भी हो गया। एक और पेशेंट, आप सब लोगों ने, आई डोंट नो, बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्टों ने सुना, चॉकलेट सिस्ट, मैंने पीरियड कम आते हैं जिसकी वजह से यूट्रस की वाल के अंदर एक लेयर जम जाती है, क्लॉट कह लो उसको, ब्लड का क्लॉट है बड़ा, तो धीरे 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 जस्ट लाइक चॉकलेट, तो चॉकलेट सिस्ट की वजह से भी, अपने एक थेरेपिस्ट ही हैं तो उनके भाभी जो हैं, मैंने बड़े भाई की वाइफ, तो उनको भी कंसीव नहीं हो रहा था, तो खाली चॉकलेट सिस्ट के लिए भी तब सेम ट्रीटमेंट, उसमें एक ये जो सिस्ट वाला ट्रीटमेंट है इसके साथ एक पी हेपरिन और जोड़ा था, जिससे उनको कंसीव हुआ, आज घर में अच्छी चहल पहल है, 2 बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके एग फर्टाइल नहीं हो रहा, प्रॉपर एग बनते, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि एग नहीं बन रहा,
प्रॉपर मैच्योर नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। न्यूट्रल ट्रीटमेंट, आप सब लोग जितने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं खास करके वो जानते होंगे, केवल न्यूट्रल ट्रीटमेंट। न्यूट्रल ट्रीटमेंट सिखाया 2 से 3 महीने में, नहीं सेकेंड मंथ में जब दोबारा पीरियड आए तो बिल्कुल नॉर्मल थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। और फर्स्ट टाइम इस बार चेक कराया तो टेस्ट करवाया तो बिल्कुल और कंसीव भी हो गया, और 2 बालक हैं उनके, उनके पास भी 2 बच्चे हैं। ऐसे ही एक और रिश्तेदार हैं जिनको इंट्रोवर्टेड, यानी अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इंट्रोवर्टेड यूट्रस, यानी यूट्रस का यूट्रस घूम गया, इसको आम भाषा में बोले हल्का सा घूम गया है यूट्रस। ऐसे केस न्यूरोथेरेपी में सिर्फ 1 WD × 6, सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट दिया, और आज वो भी परमात्मा की दया से उनके घर में भी बालक है, बेटी है उनके पास, 2 बेटियां हैं। फिर बहुत साल बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी एक बेटा होता तो अच्छा था, तो फिर से 1 WD × 6 ट्रीटमेंट दिया तो घर में बेटा भी आया। ऐसे अब 3 बच्चे हैं उनके पास अभी। ये इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग। मैं जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं, विषय चल रहा है अपना निराश रोगियों के लिए आशा की किरण न्यूरोथेरेपी। ये सारे वो हैं जिनको डॉक्टर्स ने और बड़े बड़े संस्थान ने बोल दिया कि अभी आप IVF करा लो या और कई तरह से जो भी आजकल लेटेस्ट साधन हैं, उनको न्यूरोथेरेपी से कोई, क्योंकि एलोपैथी भी तो न्यूरोथेरेपी में अभी कोई जानकार ज़्यादा नहीं है, बहुत से अभी डॉक्टर्स जानते भी नहीं हैं कि न्यूरोथेरेपी क्या चीज़ है। ऐसे ही 20 वर्ष के इस कैरियर में आईज के बहुत सारे केस, मैं बहुत सारे पुराने जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो लोग जानते हैं। मेरा एक बहुत मैंने ज़बरदस्त केस था बलविंदर सिंह धर्मकोट, फेसबुक पे वो भी सुन रहे हों तो वो ज़रूर इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, करते भी हैं वो तो, जगह जगह बताते भी हैं। गन फायर हुआ था, दोनों रैप्चर हो गई थी ऑप्टिक नर्व जो हैं, उसकी वजह से तब बिल्कुल नया था मैं मुझे बहुत ज़्यादा इस आइस के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। 10 pen × 3 खाली इतना ट्रीटमेंट उसके लिए दिया, और उन्होंने मतलब 3 महीने के अंदर उसको दिखना भी शुरू हो गया। इंजरी ट्रीटमेंट भी दिया था हम लोगों ने, और पी हेपरिन भी आइस के लिए, 2 मेडुला भी दिया था। ये सारे ट्रीटमेंट देने के बाद, क्योंकि बड़े साल हो गए, पूरा ट्रीटमेंट तो खैर बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन 10 pen का ध्यान में है क्योंकि वो 3 महीने लगातार चला था। ऑप्टिक जो रैप्चर हुई हुई भी जो ऑप्टिक नर्व थी या आई बॉल था पूरा, वो भी पूरा ठीक हो गया और आँख पूरी उसकी अभी दिखना शुरू, मतलब उसको आँख से दिखता है। तो वो अमृतसर में बड़े डॉक्टर हैं आईज़ के, उनके पास भी गए, वो उन्होंने बाहर रशिया में भी कहीं अपनी फाइल भेजी थी, उन्होंने कह दिया था कि नो चांस, एक डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था उनको कि अभी वो वाइट वाली जो स्टिक है उसके साथ जीना सीख लो, लेकिन हरी की दया से आज ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने उनका नाम लिया है लेकिन वो अच्छे हैं, उन्होंने बहुत बार खुद भी कहा है, तो किसी पेशेंट का नाम फिर भी नहीं लेना चाहिए। एक और पेशेंट थे बरनाड़ा से, कोटदुना गांव से, जिनको जन्म से एक आंख से दिखता नहीं था, और बच्चे
उन दिनों की बात है जब रामायण सीरियल, आज भी वैसे तो उतना ही पॉपुलर है, तो वो बच्चे देख के उसमें उसने जो झाड़ू का तिनका है उससे वो बाण बना के उसके तीर बनाकर उसके छोड़ा तो उसकी आँख में लगा, जिसकी वजह से उसकी दूसरी आँख से भी दिखना बंद हो गया और एक आँख बाई चांस जन्म से ही उसको नहीं दिखता था। तो वो मैंने हैरानगी की बात है, सिर्फ 10 pen into 3 हमारे बरनाला वाले डॉक्टर साहब जानते भी हैं, उनसे वो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो, उन्होंने उनको बाद में भी बड़े सालों तक मिलते रहे हैं, बिल्कुल ठीक पेशेंट उन्हें दोनों आँखों से 3 महीने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर उनको दिखना शुरू हो गया और वो जो उसमें इंजरी ट्रीटमेंट नहीं दिया, खाली 10 pen into 3 इतना ट्रीटमेंट ही लगातार 3 महीने, और वो ट्रीटमेंट मैंने भी नहीं दिया, रेदर मैं तो सिखा के आया था उनको, और खाली ट्रीटमेंट सीखते सीखते उन्होंने उन्हीं के ऊपर कर करके ही अपना, मतलब उसकी सिस्टर थी जिन्होंने सीखा था अपने सेवा भारती में, वो सिलाई केंद्र में काम करते थे, आज बच्चा बिल्कुल ठीक है, दोनों आँखों से दिखता उसको। जब मैं ये सारी बातें बताता हूँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो साइंस जानने वाले हैं उनको मजाक लगता है फिर, लेकिन बट अपने पास रिजल्ट है, पेशेंट है और आज भी ठीक है जी वो। एक और पेशेंट जिनको ऑप्टिक एट्रोफी, तो आप सब जानते हैं ऑप्टिक एट्रोफी में भी एक बार आई साइड चलेगी तो दोबारा, तो न्यूरोथेरेपी के एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, जो लोग जिन्होंने वेद गुरु जी के हाथ का लिखा हुआ पढ़ा है उसमें एक ट्रीटमेंट है 10 toe finger 6 new nabicet gas gas 6 toe finger 3 new nabicet gall spleen liver, इसके साथ एम हेपरिन ट्रीटमेंट, बस इतना ट्रीटमेंट लगातार मैंने दिया। और ऐसे मैं लगभग 3 जो हैं पेशेंट हैं, 3 पेशेंट हैं जिनकी ऑप्टिक एट्रोफी बिल्कुल ठीक है, वो आज बिल्कुल ठीक देखते हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी एक का पूरा ठीक नहीं है लेकिन उनको दिखना शुरू हो गया, आज वो नॉर्मल मतलब बाइक चलाते हैं वो, इतना सा दिखता उनको। एक और पेशेंट थे, एक और डिजीज़ है, बड़ी मज़ेदार सी डिजीज़ है जिसमें कभी कभी उन्हें हम न्यूरोथेरेपिस्ट भी सब लोगों को समझना होगा, पेशेंट बता रहा है तो उसकी दिक्कत को समझें, फ्लोटर्स जिसमें मैंने आँख के अंदर एक छोटा सा क्लॉट, ब्लड का क्लॉट आ जाएगा, तो पेशेंट जिधर देखता है जिधर भी देखेगा उसको लगेगा कि एक मक्खी सी मैंने एक ब्लैक स्पॉट वो दाएं बाएं घूम रहा उसके, और वो पेशेंट को आप सब लोग जानते हैं, सिर्फ एम हेपरिन ट्रीटमेंट और 2 medulla into 6 इतना ट्रीटमेंट दिया और वो फ्लोटर्स 15 दिन के अंदर उसके बिल्कुल गायब हो गए। थोड़ा बड़ा होगा क्लॉट लेकिन अगर छोटा सा है तो 2-3 ट्रीटमेंट में ही फ्लोटर्स वो उन्हें बिल्कुल गायब हो जाते हैं, वो जो मक्खी सी दिखती है। एक और इसी तरह से एक पेशेंट पिछले दिनों ऐसे पेशेंट एक दो बार और भी देखे हैं, बाइक पे जा रहे थे गिरे, सर में चोट लगी, उठ के खड़े हुए, थोड़ा बहुत मैंने कोई बाहर से ब्लीड नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे करके आँख की रोशनी चली गई, तो लेटर ऑन MRI कंट्रास्ट कराने के बाद पता चला कि ऑप्टिक ब्लीड, वो आँख के अंदर जो नर्व है उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो उससे आई साइड चली गई। बहुत सारे वो ब्लड पतला करने की जो मेडिसिन देते हैं और भी बहुत सारे एलोपैथी में ट्रीटमेंट हैं, वो देने के बाद भी उनको उससे कोई फर्क नहीं हुआ, उनको कोई आराम नहीं आया, देन किसी ने बताया कि ऐसा न्यूरोथेरेपी से कराओ, तो अपने न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट जो है आप कल्पना करेंगे, सिर्फ वही इतने एम हेपरिन
टू मेडुला 6 बार और बीच बीच में उनको 10 टो फिंगर, 6 न्यू नाभि सेट गैस, 6 टो फिंगर, 3 न्यू नाभि सेट गॉल स्प्लीन लिवर, इतना ट्रीटमेंट देते ही 15 डेज के अंदर अंदर उसे वापस दिखना शुरू हो गया। मैं ऐसे आईज के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्क्विंट, बहुत सारे बच्चे हैं जो जन्म से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो उनको आईज की प्रॉब्लम आ गई, आँख में स्क्विंट आ गया, और स्क्विंट के लिए डॉक्टर्स कह देते हैं कि थोड़ा बड़ा होगा तो ऑपरेशन कर देंगे, बट न्यूरोथेरेपी में सिर्फ 8 मेडुला नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ 20 राउंड एरो, नॉर्मल बने 8 पैन, 3 गॉल, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस और 20 राउंड एरो, इतना ट्रीटमेंट देके स्क्विंट को ठीक किया। और ये ट्रीटमेंट देते ही पेशेंट ठीक हो गया। मैंने 15-20 दिन महीने के बाद अलग अलग तरह के स्क्विंट के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे आईज के बहुत सारे और छोटे छोटे, एक बड़ा मज़ेदार सा पॉइंट है, आप सब लोग जानते होंगे, जैसे बड़े आयु में आँख से पानी निकलता रहता है, ऐसे गांव में जाओगे तो बहुत सारी दादियाँ उनके देखोगे तो, वो शहर में भी अब, कि आँख से कंटिन्यूस पानी निकलता है। जितने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो जानते हैं, हमारे यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं और लैक्रिमल ग्लैंड से फ्लूड जो है, लिक्विड लुब्रिकेशन, नेचुरल लुब्रिकेशन, वो आँख के अंदर जो है वो आता रहता है, और जो एक्स्ट्रा होगा वो लैक्रिमल डक्ट जो हैं उसके माध्यम से वो हमारे नाक में, गले में और स्प्रे हो जाता है। कितना बढ़िया सिस्टम लगा हुआ है ये जो पानी है वो लैक्रिमल डक्ट कभी कभी ब्लॉक हो जाती हैं और 30 लैक्रिमल पॉइंट, न्यूरोथेरेपी में आसान सा ट्रीटमेंट है, और साथ में एक एम हेपरिन, इतना ट्रीटमेंट दिया, आँख से आंसू आना, माने आँख से जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता था, आंसू आना नहीं, आंसू तो नेचुरल है, जब आएंगे तो आएंगे, तो वो बंद हो गया। और एक छोटी सी समस्या के लिए बहुत सारे, क्योंकि वो बार बार आँख को पहुँचना पड़ता है, उसके लिए हाथ लगाना पड़ता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से आँख खराब कर बैठे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, तो आप उनको इस तरह से भी एक ये ट्रीटमेंट देके भी इनको ठीक कर सकते हैं। मैं फिर बीच में थैंक यू करूँगा नवल किशोर जी का, जिन्होंने आज ये मौका दिया है, अपने फेसबुक पे मुझे फेसबुक पेज पे बुलाया है उन्होंने, और बहुत सारे बीच बीच में कुछ लोग कुछ कुछ पूछ भी रहे हैं सबका, और जो लोग जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, मैं स्वागत करता हूँ सबका। नेक्स्ट था चेस्ट से रिलेटेड डिजीज। अब न्यूरोथेरेपी, क्योंकि ये कंप्लीट साइंस है, जो जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि वंस, अगर आप एक बार न्यूरोथेरेपी करवाना शुरू किया तो कफ, कोल्ड, फीवर, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये देखने, मतलब बताने में तो डिजीज़ बड़ी, कोई ऐसा नहीं है कि इससे बड़ी आफत आने वाली या कोई बहुत ज़्यादा कोई लाइफ थ्रेटनिंग है जिससे पेशेंट के मरने का खतरा रहे, ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है। न्यूरोथेरेपी में उन डिजीज़ का भी इलाज है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का भी इलाज है, और सबसे बड़ी जो सिंपल आज की डेट में जो एक बहुत बड़ा डर, टेरर मन के अंदर बैठ गया सबके, कोरोना वायरस का सिंपल, मैं पिछले दिनों अभी एक BSF के बड़े अधिकारी हैं उनके श्रीमती जी से मिलने का मौका मिला, उन्होंने, उनको कफ कोल्ड, उनको वैसे वो बड़े सालों से अस्थमा की पेशेंट हैं,
न्यूरोथेरेपी का बच्चे हैं घर में, आज ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सब बच्चे माँ के पास रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, 10th+1 का ही बच्चा है, उसको ट्रीटमेंट सिखाया। अब ट्रीटमेंट क्या है, इतना ज़्यादा कोल्ड, इतना ज़्यादा कफ और साथ में फीवर, अगर ऐसा आज की डेट में जिस पेशेंट को हो जाए तो आप कल्पना कीजिए, मैंने उस वो तो मतलब पड़ोसी पड़ोसी क्या, घर वाले भी नहीं हाथ लगाते उसको। और ये मन में ज़्यादा टेंशन है आज, मतलब दिमाग पे ये जो बैठ गया है ना, मेरा सबसे निवेदन है जो देख रहे हैं वो भी और इनके माध्यम से जो लोग आगे सुनेंगे वो भी, कोरोना का डर दिमाग से निकाल दीजिए, कोरोना का डर ब्रेन से दिमाग से निकाल दीजिए। जी प्रमोद जी, मैं ब्रेन के ट्रीटमेंट, ब्रेन का भी ट्रीटमेंट, न्यूरोथेरेपी में ब्रेन के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, उस पर आप बाद में चर्चा करूंगा मैं। कोरोना का डर निकाल दीजिए, दिमाग से निकालिए, सबसे जो है वो निकालना जरूरी है, मैं यही कहूँगा। 5 मेडुला इंटू 3 इतना ट्रीटमेंट उनकी मदर को, और आप जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो जानते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला, वेद पे 37 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, इतना ट्रीटमेंट 3 दिन दिया। वैसे तो मैंने नेक्स्ट डे जब उनको वीडियो भेजा था मैं, क्योंकि अंदर तो आप जा नहीं सकते, उसमें फ़ोन पे ही बात हो रही थी, खाली वीडियो भेजा, वीडियो भेज के उस वीडियो को देख के और पेशेंट के ऊपर उसके बेटे ने ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट को फर्स्ट क्लास उस रात उन्होंने कहा कि मुझे नींद आई एकदम बढ़िया, सुबह जाके मुझे पता चला कि हल्का सा अभी भी सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम है। एक ही रात में कोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला और 5 मेडुला इंटू 3, अगर रेगुलर रह रहा है लंबे समय से कफ कोल्ड है तो कोडाक्विना प्लस के साथ 5 मेडुला इंटू 3, खाली इतना ट्रीटमेंट जो है वो देते ही पेशेंट को आराम आ गया। अब एक और पेशेंट है हमारे जो हैं वो हैं इसी चेस्ट की रिलेटेड जो डिजीज है, ILD, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज, आप जानते हो जिसमें आम भाषा में कहते हैं लंग सिकुड़ गए हैं, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज ILD। एलोपैथी में स्टीरॉइड के बाद, प्रकाश जी आप अपना कैमरा ठीक करें, मैं सबको दिख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक दिख रहा हूँ। तो ILD जो इंटरस्टीशियल लंग डिजीज, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस में मैं बता रहा था स्टीरॉइड के बाद एक ऑक्सीजन की मशीन 1.5 लाख की, क्योंकि सिलेंडर पे बहुत निर्भरता नहीं रहती है, रोज़ रोज़ सिलेंडर चेंज करना, और ऐसे पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया तो उसके साथ कुछ भी मिसहैप हो सकता है। ऐसे पेशेंट उनको ऑक्सीजन और एसिड ट्रीटमेंट 5 मेडुला इंटू 3, सिर्फ इतना ट्रीटमेंट मैंने आपको उनको कॉन्टीन्यूस दिया, तो धीरे धीरे करके जो सारे दिन में 8-9 लीटर जो ऑक्सीजन लेते थे वो पेशेंट 3 पे आ गए 4 पे आ गए 2 पे आ गए, धीरे धीरे करके कम होता गया डे बाय डे, और फिर सिर्फ रात को सोते समय ऑक्सीजन लगी, बाकी दिन ऑफिस जाने लग गए। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम थी, चेस्ट से रिलेटेड यह डिजीज़ थी और ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूस लेना पड़ता था, और वो पेशेंट बिल्कुल आज हरी की दया से बिल्कुल
हाँ अनिल जी, अनिल भारती जी नमस्कार। हाँ ये चमत्कार देखे हैं, बिल्कुल ठीक है आपने। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको रेडनेस ऑफ आईज, ज़्यादा देर मोबाइल पे काम करने से रेडनेस ऑफ आईज, अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं रीना जी, रीना शर्मा जी, तो आप ऐसे ट्रीटमेंट के साथ ऑक्सीजन और ऐसे ट्रीटमेंट लें, रेडनेस ऑफ आईज इससे ठीक हो जाएंगी। 2 मेडुला × 3 इसके साथ ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ILD की बात कर रहा था, ILD के साथ साथ एक और डिजीज है सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस में भी चेस्ट में प्रॉब्लम आती है, सार्कोडोसिस हो गया, फाइब्रोसिस इन लंग्स, इसका भी न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है, 2 पेन 6 बार देकर एसिड और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और 5 मेडुला × 3 ये देंगे तो फाइब्रोसिस इन लंग्स और सार्कोडोसिस इनका भी इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। एक और जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो रूटीन के जो पेशेंट हैं, अगर आप देखेंगे उसमें सर्वाइकल, कमर दर्द, घुटना, शुगर, बीपी, माइग्रेन, ये 6 डिजीज जिनको मैं, मेरी छोटी सी एक बुक है स्वास्थ्य मित्र, वो बुक में इन 6 डिजीज का ट्रीटमेंट और इनका मैनेजमेंट, बेसिकली तो मैं मैनेजमेंट बोलूँगा, ये सिखाया हुआ है। ये रूटीन के पेशेंट हैं। अब बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको सर्वाइकल, कमर दर्द, बैक पेन, नी पेन, ये अक्सर रहता है। ऐसे पेशेंट रूटीन में क्या ना करें जिससे वो बिल्कुल ठीक रहेंगे? सर्वाइकल डिजीज़ तो सेल्फ क्रिएटेड डिजीज़ है, सर्वाइकल कमर दर्द, बैक पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, इसके लिए एक ही सबसे बड़ी बात है, वो है सोने का पोस्चर। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता था कि बेटा सर पे हाथ नहीं रखते बुरा होता है, लेकिन इतनी बात, ये सर पे हाथ रखना बुरा है ऐसा तो सारी दुनिया ने बताया, लेकिन क्या ना करें? तो सर पे हाथ ना रखें लेकिन क्यों ना करें? अब ये जो न्यू जनरेशन पूछती हुआ है तो क्यों ना रखें सर पे हाथ? तो सर पे हाथ इसलिए नहीं रखना, फर्स्ट एड में सिखाया जाता है कि उंगली कट जाए तो रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर कर लो, उससे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो डॉक्टर लायपतराय महाराज जी ने इसी बात को, ये सारे जो हमें घर में सिखाया जाता है बेटा ऐसा नहीं करते, बैठ के चार पर भी बैठ के पैर नहीं हिलाते, इससे घुटनों में दर्द आ जाता है इसलिए पैर नहीं हिलाते, और पुराने वाली चार पर भी बैठ के पैर हिला के देख लो, पता चल जाएगा घुटनों में दर्द आता है कि नहीं आता। तो दीज आल आर साइंस जो हमारे बुजुर्ग बता के गए, जो बुजुर्ग हमारे कहते थे बार बार कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं बैठते, ऐसा नहीं सोते, इस दिशा में प्यार नहीं करते, दीज आल आर साइंस, इसको ठीक से जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, ये कोई मिथ नहीं है, ये अनपढ़ों की, या दादी तो बोले स्कूल ही नहीं गई जी, इसको क्या पता, तो ये उनकी बातें नहीं है, ये साइंस है, इसको समझना चाहिए। तो सर्वाइकल, बैक पेन, शोल्डर पेन, उल्टा सोने की वजह से, या सर के नीचे या पिल्लों के नीचे
हाथ घुसाकर सोने से ये दर्द आता है। अब बहुत सारे न्यू जनरेशन जितने भी आते हैं, आज भी सुबह मेरे पास एक पेशेंट आए हुए थे, मगर सोते कैसे हैं सर, पिल्लों के नीचे हाथ लगा के सोता हूँ। अब पिल्लों के नीचे हाथ घुसा के सोओगे तो सर्वाइकल पेन आएगा। एक्सरे कराया, एक्सरे में नॉर्मल है, डॉक्टर सेज ओनली मसल स्पाज, पेन किलर दिया, कैल्शियम दिया, विटामिन ही दिया, घर भेज दिया, बट स्टिल पेन इज देयर। तो न्यूरोथेरेपी के सिंगल ट्रीटमेंट से आज वो बिल्कुल 80% ठीक होके 70% उन्होंने बोला मेरे को बहुत रिलीफ है आज। केवल सोने की वजह से है तो सोने का पोस्चर ठीक करना है या मेरे पास रोज आके ट्रीटमेंट करवाना है, ये आपने डिसाइड करना है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, आज बहुत बड़ी समस्या है स्लिप डिस्क में। एक हमारे मित्र हैं, उनके बेटा फॉरेन में जॉब लग गई, आईटी में थे, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा पैकेज मिल गया, तो वहाँ से छोड़ के कमर दर्द शुरू हो गई। थोड़े दिन पेन किलर खा के वहाँ चलाया, यूएस में थे किसी कंपनी में, वहाँ से वापस आ गए। क्यों? क्योंकि अब वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ आप ध्यान, आप जो लोग फॉरेन में रहते हैं बड़ा कष्ट है, जो लोग यहाँ से जाते हैं अगर या तो जॉब छूटेगी या फिर इलाज करवा लो। अब ये जॉब छूट जाने के डर से तो जॉब छोड़ के ही, कोई चारा नहीं है तो इसका इलाज तो हो, तो इतने फेडअप हो गए वहाँ से वापस आ गए इंडिया में। तो यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया है, मैं दिख नहीं रहा भाई, क्या बात है, ये अभी ठीक है अमित जी? ठीक है, अब अमित राठौर जी अभी दिख रहा हूं। तो ऐसे वहां से छोड़ के यहां आ गए। अब यहां आने के बाद कहां ट्रीटमेंट करवाएं? तो किसी ने बताया ऐसा करके न्यूरोथेरेपी में चले जाइए। तो आके देखा, ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट देखा, तो उनको लगा कि ये हाथ पैर दबाने से क्या होगा। उन्होंने फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर और कई जगह गए, कोई अच्छा नहीं मिला होगा। तो वहाँ से लगभग एक साल, अब एक साल बाद यहाँ जॉब जो मिल रही है वो मैंने मानो कि 50,000 की जॉब मिल रही, वहाँ 7,00,000 का मंथ का पैकेज छोड़ के आए हैं, यहाँ कर नहीं रहे, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो कुल मिला के क्या दिक्कत आ गई? अब वो बिल्कुल बैठ गए घर में, फिर किसी ने बताया दोबारा कि भाई न्यूरोथेरेपी कराओ। मज़ेदार, अभी स्टूडेंट है मेरे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप छोड़ के आए हो, जॉब छोड़ के आए हो तो अभी आ जाओ, अभी न्यूरोथेरेपी का सीख भी रहे हैं और खुद कर भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कमर दर्द बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनके सर्वाइकल में, घुटने में, कमर में दर्द की वजह से। अखिल जी थैंक यू, अखिल गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको ये सारे में मैंने दर्द की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, फेड अप हो रहे हैं, सर्वाइकल, कमर दर्द, घुटने की वजह से। और न्यूरोथेरेपी में मेरे एक और पेशेंट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है,
यू कैन डू इट, इंग्लिश में बुक है वो। उसमें उन्होंने एक्सरे पहले और 7 महीने बाद का, ट्रीटमेंट के बाद का एक्सरे डाला। बेटा उनका भी आर्मी में डॉक्टर है। उन्होंने बोला था, बेसिकली तो उन्होंने बोला था कि माँ बुक लिखो ये वाली, ये तो इतना, ये जो कार्टिलेज घिस गए हैं ये फिर से बन जाएं, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में डॉक्टर लाइवतरा मेहरा जी की ये देन है, जिन्होंने इस माध्यम से भी कार्टिलेज बन सकते हैं न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से भी। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है न्यूरोथेरेपी में, मैंने फील्ड माने ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जिससे न्यूरोथेरेपी से जिसमें इलाज ना हो। हाँ, एक ही दिक्कत आ सकती है कि मेरे डायग्नोज में कमी हो सकती है कि मुझे समटाइम्स डिजीज़ का समझ में नहीं आया। पेशेंट की रिपोर्ट्स और पेशेंट की, जो पेशेंट बता रहा है और जो उस पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, वापस में मेल नहीं खा रही हैं। ऐसे में अगर दिक्कत आती कभी कभी, एक और रेयरस्ट रेयर केस मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ इसका, वेलो फेशियो कार्डियो सिंड्रोम। सभी न्यूरोथेरेपिस्ट जानते हैं जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में तो खाली 21 यानी 21 नंबर का क्रोमोसोम वो 3 है। अगर क्रोमोसोम चेक कराएंगे तो वो 3 है। और वेलो फेशियो कार्डियो सिंड्रोम में जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है, एक मिस है, वो होता ही नहीं है। ये एक मेरे लिए एक मतलब बहुत ही रेयरेस्ट रेयर केस था। और मज़ेदार, अगर आप सुनोगे तो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो उनको ध्यान में आएगा, खाली न्यूट्रल ट्रीटमेंट में उस बच्चे के फीचर्स में चेंज आना शुरू हुआ। बच्चा बाहर से है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल क्या काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें, उस बच्चे में आ गई है। यस, एक और हाइपोथायराइड जी, हाइपोथायराइड डिजीज़ जिसमें आप सब लोग जानते हैं न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। जो पेशेंट हाइपोथायराइड वाले, पहले तो उनको ये ज्ञान हो कि ये बीमारी थायराइड यानी थायराइड ग्लैंड जो यहाँ है, ये थायराइड ग्लैंड की बीमारी नहीं है, ये पेट की समस्या है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, हमारे सब बुजुर्ग बोलते हैं, मैं तो स्टेज से बताता हूँ। उन्होंने बोला पेट ठीक तो सब ठीक, पेट ठीक तो सब ठीक। अब पेट ठीक है यानी, अब इसको मैं अगर मैं उदाहरण दे के समझाऊँ, जिन पेशेंट का हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड में क्या है कि हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन से हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स बनाती है, उन अमीनो एसिड्स में एक अमीनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन, टायरोसिन उसके साथ और भी केमिकल मिलते हैं बॉडी में, और प्रोटीन और जो केमिकल मिलके, तो थायरोक्सिन बनके थायराइड को मिलता है। लेकिन ये पचने की प्रक्रिया कहाँ है, पचने की प्रक्रिया है हमारे पेट में, तो पचा ही नहीं तो प्रोटीन पचे नहीं तो उसका अमीनो एसिड बनेगा कैसे। अब प्रोटीन से ही बनेगा ना जी, हम जो प्रोटीन खा रहे हैं उसी अमीनो एसिड में से एक टायरोसिन, अगर वो पचा ही नहीं है तो अमीनो एसिड बने, टायरोसिन बनेगा कैसे। अब टायरोसिन बनेगा नहीं तो थायरोक्सिन बनके थायराइड को मिलेगा कैसे। तो ठीक क्या चाहिए, ठीक चाहिए
पेट। बहुत सारे आजकल फोन आ रहे हैं जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने अपने पिछले फेसबुक लाइव पे बताया था, पेट खराब है, पेट खराब है यानी नेवल अपसेट, जिसको नाभि का खिसकना बोलते हैं। आजकल बहुत सारे ये जो नाभि ठीक करने वाले हैं वो इस नाम से भी बड़ी धूम मचा रखी उन्होंने। बड़े बड़े पेशेंट, बड़े बहुत सारे दूर दूर से पेशेंट अपने अपने क्लिनिक में बुलाते हैं, हम नाभि ठीक करेंगे, और उस नाम पे बहुत सारे उनको मतलब चूना लगाया जाता है इस नाम पे भी। तो ऐसे पेशेंट इनको खाली जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो जानते होंगे, 1 पॉइंट गैस ओनली, यानी दोनों थाइज पे ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे नी तक आएंगे, दोनों हाथों से दबाएंगे और नीचे नी तक पैरों तक, मैंने घुटनों से ऊपर। इनके लिए क्या ट्रीटमेंट, मैंने ये यहाँ पॉइंट देने हैं, सॉरी, थाइस से स्टार्ट करना और घुटने तक जाना। इसको 6 हिस्सों में बांट के 6-6 सेकंड के लिए प्रेस करते जाएं, तो ज़िंदगी में कभी भी नेवल अपसेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट बिल्कुल ठीक होगा। जैसा आपके जीन में फीड है वैसी सेहत आपकी बन जाएगी। मोटे ताजे या पतले होने के लिए ट्रीटमेंट नहीं है ये, नाभि ठीक करने का ये ट्रीटमेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना खाने के तुरंत बाद जिनको मोशन जाना पड़ता है, IBS या कोलाइटिस, और इस ज़्यादा देर तक कोलाइटिस रहेगा तो अल्सर में चेंज हो जाता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका भी बड़ा आसान ट्रीटमेंट। आप शुरुआत करें 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6 से, सॉरी 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला, खाली इतना ट्रीटमेंट अगर आप करें तो अल्सर कोलाइटिस, सॉरी म्यूकस कोलाइटिस, IBS, नाभि का खिसकना, पिचोटी का खिसकना, गुजरात वाले पिचोटी का खिसकना कहते हैं जिसको, ये सब केवल इतने से ही इसमें आराम आ जाएगा। इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है जी। मैं बताता हूँ जी, इसका भी ट्रीटमेंट बताता हूँ। माइग्रेन के लिए पूछ रहे हैं, तो माइग्रेन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो शायद मैं पहले भी बताया है, एमरजेंसी में जो यहाँ देते हैं ऐसा, हम लोग 30 इधर 30 लेफ्ट 30 राइट, 15 मेडुला × 4। नविता जी धन्यवाद। 15 मेडुला × 4 यानी 15 मेडुला 4 बार और एम हेपरिन, खाली 15 मेडुला 4 बार भी लिया तो एक बार तो ये जो है अपना बिल्कुल आराम आ जाएगा, इसमें माइग्रेन में आराम आ जाएगा, काफ़ी आराम आ जाएगा। रूटीन में देने के लिए आप उनको 15 मेडुला 4 बार, और क्लिनिक में देना है अपने तो ऑक्सीजन और एम हेपरिन, और जिनको एसिड ज़्यादा है म्यूकोज़ीरो लिवर 0 चेक करेंगे, एसिड ज़्यादा है तो आप उनको इसके लिए एसिड ट्रीटमेंट साथ में, अगर म्यूकोज़ीरो में पेन है तो साथ में दे सकते हैं। तो 15 मेडुला × 4 ऑक्सीजन, जिनके 6 सेकंड गैस ओनली दे सकते हैं। बहुत सारे मैंने ये जो माइग्रेन के पेशेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो 15 मेडुला 4 बार ऑक्सीजन एमेप्रिन, अगर इसमें म्यूकोज़ीरो में पेन है तो आप उनको साथ में एसिड ट्रीटमेंट एमेप्रिन की जगह एसिड ट्रीटमेंट दे दीजिए, माइग्रेन दोबारा लौट के नहीं आएगा, फिर नहीं होगा। एमरजेंसी में पेशेंट को सिखा सकते हैं कि जब भी शुरू हो, जरा सा लगे पेशेंट को पता चल कि उसको वॉमिट होकर ठीक होता है, नींद आके ठीक होता है, कईयों को
टेबलेट लेके 8 घंटे, जब तक सोएंगे नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। ऐसे सभी जो पेशेंट हैं उनको इससे आराम आएगा। एक बहुत बड़ी जी स्लीप डिसऑर्डर, यस, नींद नहीं, मैं पेशेंट से कभी कभी बोलता, नींद नहीं आती है रातों को। तो अखिल गुप्ता जी, जिनको नींद नहीं आती है उनको 8 medulla into 3, अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो आप कहाँ से हैं मेरे ध्यान में नहीं है, अगर दिल्ली से ही हैं तो किसी भी दिल्ली में 75 न्यूरोथेरेपिस्ट काम करते हैं, तो वहाँ किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाकर इसका जो है वो आप ट्रीटमेंट सीख भी सकते हैं। और 8 medulla अगर नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर दीजिए, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। अजय गांधी मोहाली लिखेंगे गूगल में तो मैं आ जाऊंगा, गूगल पे दिख जाऊंगा कहाँ हूँ जी। डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया, बहुत से ऐसे और भी जिनको ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हैं, डॉक्टर लायत्रा मेहरा जी ने हम सब लोगों को बड़े अच्छे से डोपामाइन और सेरोटोनिन, इनका लेवल ठीक नहीं होगा, माने सेरोटोनिन का लेवल कम है तो पेशेंट जो है वो इसमें अच्छा अखिल जी ठीक है, फिर आप क्लिनिक में जाकर सीख लीजिए, आपको आता होगा 8 medulla 3 बार लेना। और अगर इससे रिजल्ट नहीं आता है तो 15 medulla into 2, 8 medulla into 2 और 6 medulla into 2, ये तीनों देंगे तो पेशेंट को काफ़ी काफ़ी आराम आ जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। मैं बात कर रहा था इस तरह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दें। स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको खाली 15 medulla 2 बार, 8 medulla 2 बार और 6 medulla 2 बार सेरोटोनिन ट्रीटमेंट, और उससे पहले अगर ऑक्सीजन और सेरोटोनिन ट्रीटमेंट देंगे तो उनको काफ़ी आराम आएगा, इससे काफ़ी आराम आएगा। हाइपर नहीं होते हैं पेशेंट, मूड स्विंग नहीं होता। प्रेगनेंसी में वॉमिट के लिए ना दें कुछ, अभी मेरा निवेदन है जितने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, अगर प्रेगनेंसी में न्यूरोथेरेपी, गुरुजी मना करते थे कि न्यूरोथेरेपी, हाँ अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज और ट्रीटमेंट कुछ ना दें। बहुत ज़्यादा वॉमिट आ रही है तो आप उनको 10 टॉ फिंगर गैस इतना देंगे तो मुझे लग रहा है सर जी सिस्टम का ट्रीटमेंट, मैं समझा नहीं प्रकाश जी क्या पूछ रहे हैं, सिस्टम क्या है जी। एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, मैं जितने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं सब जानते हैं, गॉल का पेन अगर चेक करेंगे तो गॉल में उनको पेन आएगा, गॉल में पेन होगा, वो गॉल का पेन निकाल दीजिए स्किन की किसी भी डिजीज में तो उनको काफ़ी आराम आएगा। बाद में लंबे समय अगर ट्रीटमेंट देना है तो 6 toe finger गॉल, 1 gall, 1 liver 0, 1 mucus 0, 2 chest only और 5 round arrow स्किन की किसी भी डिजीज में, सोराइसिस छोड़ के, बाकी सभी एक्जिमा है, इचिंग है, एटिकेरिया है, इन सब में इसी ट्रीटमेंट से ही आराम आ जाएगा। रंजीत सिंह जी पूछ रहे हैं लेफ्ट साइड का पेन, अल्फा एसओ ने गैप रिड्यूस हो गया, 82 ईयर ओल्ड हैं पेशेंट, तो
रंजीत जी, आप उनको खाली कोडाक्विना प्लस के साथ साइड का सेटिंग ट्रीटमेंट दे दीजिए। अच्छा सिस्ट, प्रकाश जी सिस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है मैं बताता हूँ। कोडा रंजीत जी, कोडाक्विना प्लस के साथ आप उनको साइड का सेटिंग ट्रीटमेंट, नहीं है तो यूट्यूब में गुरुजी डॉक्टर लाजित्रय मेरा डालिए, गुरुजी जो साइड का सेटिंग आईवी हॉस्पिटल में बैठ के उन्होंने सबको सिखाया भी था मोहाली में, आईवीवाई जिसको लिखते थे ऐसा, आईवी हॉस्पिटल में गुरुजी ने ये ट्रीटमेंट सिखाया था सबको, तो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर साइड का सेटिंग आपको प्रॉपर देना नहीं आता है तो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिए न्यूरोथेरेपी सच में आशा की किरण है। आज सर्वाइकल कमर दर्द घुटने की बात नहीं कर रहा, MND, MS, MSA इसके लिए भी जो है वो न्यूरोथेरेपी लाभदायक है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है अपने पास। मैं लास्ट 2 मिनट बचे हैं और मैं अंजू मोंगा जी, इन्होंने पूछा है डैंड्रफ का ट्रीटमेंट क्या है, मैं वापिस आऊँगा। न्यूरोथेरेपी में जो बार बार गुरुजी एक बात बोलते थे कि बेटा पेट ठीक तो सब ठीक, अंजू मोंगा जी अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 पैन, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट स्प्लीन, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट म्यूकस x6 इतना ट्रीटमेंट लेंगे, कंटिन्यूस लेते रहिए तो आपका डैंड्रफ बिल्कुल चला जाएगा। लाइफोमा के लिए ट्रीटमेंट राज सिंह जी पूछ रहे हैं, लाइफोमा 10 पैन x3 देंगे तो लाइफोमा ठीक हो जाएगा, बाकी लीवर 0 म्यूकस 0 चेक करेंगे, सिंपल UDF ट्रीटमेंट देंगे तो भी लाइफोमा निकल जाता है बॉडी में कहीं भी हो, या अगर ब्रेन में है तो उसके लिए थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है। मैं आप सबसे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और ख़ास करके नवल जी का जिन्होंने मुझे आज अपने फेसबुक पेज पे लाइव आने का और आप सब लोगों के साथ मिलने का मौका दिया है। तो एक बार और किसी को कोई और क्वेश्चन हो, किसी का, देश भर के जितने न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु हैं, किसी को ये लगता हो, किसी को भी लगता हो कि उसके लिए मैं कुछ ट्रीटमेंट, हाइड्रोसिफिलाइसिस का ट्रीटमेंट, विपिन लाल जी न्यूरोथेरेपी में हाइड्रोसिफिलाइसिस केवल अगर आपको एम हेपरिन आता है, अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और आपको एम हेपरिन देना आता है तो केवल इतना ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और एम हेपरिन इतना ही देते रहिए, हाइड्रोसिफिलाइसिस ब्रेन के अंदर, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपको। मैं एक बार फिर दोबारा अपनी बात बोलूँगा कि देश भर के सभी न्यूरोथेरेपिस्ट जिनको सर राइट ग्रोइंग एरिया से हिप के तरफ जाते हुए दर्द है, फिर साइड का पेन में बदल जाता है, मैं निवेदन करूंगा अक्षय त्यागी जी आपको पेशेंट की रिपोर्ट्स मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, मैं बाकी जो है आपको ये सारी बात, बाकी आपके जो पेशेंट जो आप पूछ रहे हैं तो मैं आप सब, आपको वहाँ मिलूंगा। और आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। टाइफाइड का ट्रीटमेंट चेतन शर्मा जी, वायरल ट्रीटमेंट 1 पॉइंट गाल 2 लीवर, 1 गाल 4 लीवर, 3 गॉल 7 लीवर और वायरल ट्रीटमेंट, खाली इतना ही देंगे तो ये जो है वो इससे पेशेंट को आराम आ जाएगा। राजकुमार जी गठिया के पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं, आरए के पेशेंट हाथ पर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है सर, डिफॉर्मेलिटी हो गई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को, इसका ट्रीटमेंट आप अगर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं राजकुमार जी तो एक बार ऑक्सीजन के साथ ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करें और पेट ठीक करने का, बेसिकली पेट ठीक, पेन पॉइंट चेक कीजिए। मैं एक बार फिर सभी न्यूरोथेरेपिस्टों से निवेदन करूँगा
मूल गुरुजी ने बताया है डॉक्टर लाजित्रय मेहरा जी ने, वो है पेन पॉइंट चेक करना। तो आप किसी भी डिजीज में सबसे पहले पेन पॉइंट का दर्द निकालिए, फिर जो मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं इनको देंगे तो इसका बहुत लाभ होगा। देश भर के सभी न्यूरोथेरेपिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट जिसने कहीं से भी किसी के पास से भी न्यूरोथेरेपी सीखी है, मैं उसके किसी प्रकार भी काम आ सकता हूँ, तो उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।